channel and welcome back to yet another quirky vlog. Today's vlog is going to be really special. I am taking my mom, dad, Ravi, the whole family to Udaipur after 21 years. For those of you who don't know, we used to live in Udaipur and humne I think 1999 and 2000 in do saalon mein mere papa ki posting Udaipur mein thi. He used to work for LIC. I was like 5 or 7, like main bahut choti bachchi thi and meri yaadein Udaipur ki bahut kam hai and faded si hain. It's called the city of lakes, which I'm really excited about क्योंकि मैंने बहुत कम लाइफ में लेक्स एक्सपीरियंस की हैं. ऑल्सो लाइक इट वॉज हाई टाइम. आई रियली वॉन्टेड टू सरप्राइज माई फैमिली. वी वॉन्टेड टू जस्ट लेट सम स्टीम ऑफ. सो आज है 20th of August. मेरी फ्लाइट कल की है अराउंड 1:40-1:20 PM की एंड बहुत ही कंफर्टेबल दोपहर के टाइम पे फ्लाइट है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम बट आई ऑलवेज पैक द नाइट बिफोर. माई मॉम्स बर्थडे वीक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. आई डिड नॉट टेक द रिएक्शन, लाइक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल दैम प्राइवेटली के आई हैव प्लान्ड दिस फॉर यू एंड इट वॉज लाइक सुपर स्वीट. दे गॉट अ लिटल इमोशनल एंड दे वर लाइक वाओ हम इतने सालों बाद फिर से उदयपुर जाएंगे. वी ऑल्सो हैव फ्रेंड्स देयर जो तब हमारे नेबर्स होते थे एंड आई थिंक अगर हमारे पास टाइम हुआ आई एम प्लानिंग टू मीट देम. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कल का आउटफिट मेरा ये होने वाला है. आई एम गोना वेयर दिस ब्लैक टी शर्ट विद माई ब्लैक पेपर बैग जीन्स. फुटवेयर में आई एम गोना टेक माई ब्लू क्रॉक्स एंड मैं ये वाले क्रॉक्स वेजेस लेके जाने वाली हूँ पूरी सिटी में चलने के लिए. जो मेरा कैरी ऑन बैगेज है ना उसके लिए मैं ज़ारा का बैग लेके जाने वाली हूँ. उसके अंदर मैं अपने सारे चार्जर्स रखूंगी क्योंकि मेन लगेज में आपके चार्जर्स अलाउड नहीं होते. आई एम ऑल्सो कैरिंग माई डायसन, तो डायसन का चार्जर भी चाहिए होगा. आई एम प्लानिंग कि मैं थोड़े से ना ऐसे बाल रोल करके अलग अलग लुक्स आपको प्रेजेंट करूँ राजस्थान के लिए. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द काइंड ऑफ आउटफिट्स दैट आई एम कैरिंग. दिस मून बैग, दिस इज फ्रॉम द बैगवेट वर्ल्ड. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. उन्होंने मुझे बर्थडे पे भेजा था. दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट परफ्यूम्स. मुझे हर स्टेट में पसंद आता है. दिस इज हिप्नोटिक पॉइजन बाय डियोर एंड आई जस्ट रियली लव इट. स्मेल्स लाइक आमंड्स एंड वनीला. सो इसके अंदर मैं ये रखने वाली हूँ और आई एम गोना कैरी अनदर मास्क एंड मास्क चेन. काफ़ी सारे मास्क लेके जाने पड़ेंगे. सो आई एम गोना कैरी ऑल माई सैटिन क्यूट मास्क एंड दीज चेन्स. देन ये छोटा सा बैग है, इसके अंदर ज्यादा चीजें तो आने नहीं वाली. तो आई एम गोना कैरी दीज लेंसेज. आई थिंक इसके अंदर डायसन भी आ जाना चाहिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ और इसकी बैटरीज वगैरह. हाँ, इसके अंदर डायसन आ जाएगा. फॉर जस्ट लाउंजिंग एंड नाइट वेयर आई एम गोना टेक दिस सेट फ्रॉम स्कीऑन अपैरल्स, मृदुल का ब्रांड. एंड मुझे पिंक वाला बहुत अच्छा लगा. सो आई थिंक एक ही जोड़ी चल जाएगी क्योंकि रात को सोते टाइम ही पहननी है एंड इतना ज्यादा पहनना नहीं है. नाउ मेकअप और स्किन केयर के लिए मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ. इसके अंदर सब कुछ अच्छे से लोड हो जाता है. आई थिंक मैंने इसको बहुत टाइम पहले क्लब फैक्ट्री से मंगाया था, अमेजोन से मंगाया था, आई डोंट रियली रिमेंबर. बट यहाँ मैं अपने काजल और पेंसिल्स वगैरह डाल दूंगी, लिपस्टिक्स आ जाएंगे और बीच में सारा स्किन केयर और मेकअप आ जाएगा. सो उदयपुर में मैं रही हुई हूँ. आई नो बाय वेदर इट्स अ ड्राई स्टेट. बहुत ज्यादा वहाँ पे अगर आप घूमोगे गर्मी तो लगेगी ही एंड अभी इतना अच्छा कोई मौसम भी नहीं है. विंटर्स तो है नहीं बट आई एम होपिंग कि वहाँ पे बारिश आ जाए क्योंकि वेदर फोरकास्ट में लिखा था कि सुबह थोड़ा सा ड्रिजल होगा. द पार्ट ऑफ माई फेस दैट गेट्स इफेक्टेड द मोस्ट ड्यूरिंग दिस वेदर आर अंडर आईज एंड दैट इज वाई आई एम गोना कैरी दिस वेरी क्रूशियल प्रोडक्ट विच इज मामाअर्थ विटामिन सी अंडर आई क्रीम. नाउ आई एम कैरिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज अ 2-in-1 प्रोडक्ट. इट हैज एन इलेक्ट्रिक मसाजर विद इट. सो इससे मेरी आई को ना बहुत अच्छी तरह आराम मिल जाएगा. नॉट ओनली नेसेसरी इफ यू आर ट्रेवलिंग बट अगर आपका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, बहुत ज्यादा आपको फटीग हो रहा है, इफ योर स्लीप साइकिल इज मेस्ड अप, तो ये वाली क्रीम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. आफ्टर using this you will say bye bye to all the dullness and say hello to fresh bright hydrated under eyes. Now the main ingredient itself is vitamin C of course. ye aapki aankhon ki dullness ko kam karta hai, also fights free radicals that damage your skin. it also helps in smoothening and firming the skin by encouraging regeneration of new skin cells. isme go to cola bhi hai which deeply moisturizes the skin and ye collagen production ko boost karta hai. i really love the massager kyunki ye aapki eyes ko deep puff karta hai and all of these ingredients just soothe puffiness and stressed under eye skin. other ingredients include niacinamide which is a form of vitamin B3+. ये आपकी under eyes को sun damage से protect करेगा, improves skin texture and also prevents aging. इसमें hyaluronic acid भी है जो skin को naturally plump दिखाता है and keeps it hydrated, thus removing appearance of fine lines. After using it for a decent amount of time, I can say that इससे मेरी dullness भी काफी चली गई है. plus it hydrates the skin, so आपकी under eyes बिल्कुल भी dry नहीं लगती है. so ये अच्छे से यहाँ side में fit हो जाएगी मेरे travel bag में. Mamaearth is all about goodness inside and this goodness doesn't just lie in the products but also in the values that they stand for. they have a plant goodness initiative going on in which every time you order from Mamaearth they will link your order on the website to a treat that they plant. you can shop from their Mamaearth app or the Mamaearth website. by the year 2025 Mamaearth aims to plant 1 million trees as a part of this initiative. they also claim to be plastic positive which means that they recycle more plastic than they use. they now recycle over 120 metric ton every month. 1 metric ton is equal to 1000 kgs. if you want to try this one you can use my code aditi2021 on Mamaearth's official website and
एंड ऑल्सो देयर ऐप. इन दोनों जगह पे आपको 20% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा. दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एज वेल एज Nykaa बट विदाउट डिस्काउंट. ऑल्सो ये जो कोड है, दिस इज नॉट एन एफिलिएट कोड. आई डोंट गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट. इट इज जस्ट फॉर माई क्वर्की स्क्वाड. आई एम गोना कैरी दिस कंसीलर जो कि काफी ज्यादा सिक्योर बॉटल में, एंड दिस इज फ्रॉम टू फेस. दिस वर्क्स एज गुड एज अ फुल कवरेज फाउंडेशन. ऑल्सो आई एम कैरिंग द मोस्ट अमेजिंग ब्लश जो मैंने अपनी चीप प्रोडक्ट्स, ट्राइंग चीप प्रोडक्ट्स वीडियो जो मैं प्री फिल्म करके जा रही हूँ वीडियो, उसमें डिस्कवर किया था. एंड दिस क्लेम्स टू बी अ शिमर ब्लश जो कि इतना पर्पल है, बट ऑन द स्किन इट इज अमेजिंग. दैट इज अबाउट इट फॉर माई पैकिंग. अब मैं आप लोगों को मिलूंगी सुबह जब मैं पूरी रेडी हो चुकी होंगी. प्रताप एयरपोर्ट इन उदयपुर, एंड हमने जहाँ होटल की बुकिंग की है उन्होंने हमारे लिए कैब भेजी है पिकअप एंड ड्रॉप के लिए. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. मैं आप लोगों से तब बात करती हूँ अब जब मैं फाइनली पहुँच जाऊँगी. दैट्स द कार दैट हैज कम टू पिक अस ऑल अप. Yes, in our dreams, I'm outside. Out of, you pick the station. Sunrise, no destination. No lie, I've been so patient. Like winter, waiting for June. I'm done and waiting for you. Waiting for you. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me. Only see us in our dreams. I'm outside. We're at the reception of Hotel Lake Pichola, जहाँ पे मैं stay करूँगी. It's so pretty, you guys. This is such a heritage property, and बाहर जाके इतना सुंदर view दिखता है. Look at this. That's the welcome drink. होटल लेक पिचोला. दिस इज द एंट्री टू माई रूम. फटाफट से एक रूम टूर देने वाली हूँ क्योंकि दो मिनट में मैं यहाँ लेट के सारा रूम बिगाड़ दूंगी. सो हेयर इज वेर यू एंटर, एंड यहाँ पे आपको एक मिरर मिलेगा. हेलो हेलो अदिति. एंट्री में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा. दिस इज वॉट द वॉशरूम लुक्स लाइक. यहाँ पे आपका बड़े सुंदर सा सिंक है, लाइक मार्बल मार्बल है. इतने सुंदर रस्टिक से डिजाइन दिए हुए हैं. आई लव दिस मिरर एंड दिस लाइट, लाइक दिस गिव्स सच अ गुड लुक. एंड यहाँ पे दिस इज आवर शावर. जैसे आप टॉयलेट बंद करके इधर आते हो, रूम आपका स्टार्ट होता है. यहाँ पे इतनी सुंदर यहाँ पे एक डिजाइन दी गई है, विच आई रियली लाइक. मुझे ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज बहुत सुंदर लगती हैं जहाँ पे थोड़ा सा पेंटिंग और आर्ट टाइप का वर्क हो. सो यहाँ एंट्री करते एक बेंच दी गई है ऐसे स्टडेड सी, जिसके ऊपर आप अपना सारा सामान रख सकते हो. तो मैंने अपना लगेज इधर रख लिया है. देन आपको यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है विद दिस वुडन चेयर. यू गाइज नो मुझे ऐसे वुडन aesthetic कैसे लगते हैं. एंड दिस मिरर एंड लाइट ऑल्सो इज सो प्रिटी, लाइक लुक एट दिस, वाओ सो ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे आप मुड़ेंगे तो आपको एक अलमारी भी दी गई है. हर चीज की वाइब और aesthetic मुझे इतना अच्छा लगा. सो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप की अलमारी है जिसको आपको ऐसे खोलना है, एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा यार. एंड यहाँ पे आपको अच्छे से हैंगर दिए हुए हैं. यू ऑल्सो हैव अ सेफ हेयर गोदरेज का, विच इज ग्रेट. लॉन्ड्री बैग्स दिए हुए हैं, एंड दैट्स अबाउट इट. दिस इज द ब्यूटिफुल बेड. मुझे ऐसे राजे महाराजे का जो बेड होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है. एंड आई एक्चुअली सैट ऑन इट थोड़ा सा. ये इतना ज्यादा कुशनी और कंफर्टेबल लग रहा है मुझे गद्दा. एंड ऊपर भी ना इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सी लाइट्स और लैंटर्स दी हुई है जो काफी अच्छी लगती है. मैंने अभी पंखा बंद किया ताकि मैं आपको रूम टूर दे सकूं. एसी काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी ठंडा रूम है. एंड ये लाइट्स मुझे काफी अच्छी लग रही है. एंड दोनों साइड में आपको लैंप्स दिए हुए हैं. आई रियली लाइक द मिनिमल डिटेल टू इट. एंड वुडन के साथ साथ ये जो गोल्ड कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये बिल्कुल ऐसे सभ्यसाची का लोगो लग रहा है. वी ऑल्सो हैव अ सैमसंग का टीवी हियर, सम बिस्लरीज, पानी वगैरह,
इन रूम मेन्यू, जिससे मैं अभी बहुत जल्दी कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि रवि बहुत ही ज़्यादा भूखा है. एंड देन दे ऑल्सो हैव एन आयुर्वेदिक स्पा. यहाँ पे आपको रिमोट्स वगैरह दिए हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है. नीचे चाय वगैरह बना सकते हो. दे ऑल्सो हैव अ फ्रिज राइट हेयर ताकि आप कुछ इसमें स्टोर कर सको. देन वी हैव दिस वेरी प्रिटी लैम्प एंड इस रूम में क्लॉक टावर दिया हुआ है सूरज पोल उदयपुर का. ऑल इन ऑल आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस रूम, लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी, बिकॉज इन स्पेसेस में ना आपको एक जगह की रूह पता चलती है. सो या आई रियली लाइक दिस. एंड दिस चेयर ऑल्सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो घंटियाँ नीचे लटकी हुई है काफ़ी क्यूट लग रही है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रूम्स हेयर इन लेक पिचोला होटल इज दिस, रूम के साथ एक बालकनी दी हुई है. सो यू गेट दिस लेक व्यू रूम. यहाँ पे हमें दो चेयर्स दी हुई हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, सुबह की चाय पी सकते हैं, शाम को खा सकते हैं कुछ खाना, बिस्किट वगैरह. एंड यहाँ पे ऐसे झरोखे टाइप के दिए हुए हैं जहाँ से आपको पूरा लेक व्यू मिलता है. दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. व्हेन यू आर स्पेंडिंग लाइक 4-5 days इन अ प्रॉपर्टी, देन यू वॉन्ट टू वेक अप टू अ गुड व्यू. एंड आई रियली लव दिस. वन मोर थिंग, ये जो होटल है ना, इसमें आपको 1 किलोमीटर पहले ही पीछे उतार देते हैं, देन होटल वाले आपको ई रिक्शा भेजते हैं जिसमें आपको अपना सामान और खुद को लोड करके इधर आना होता है. बिकॉज बीच में थोड़ी थोड़ी जैसे चांदनी चौक की गली होती है ना, वैसी है. बट अदर देन दैट आई हैव नो कम्प्लेंट्स. हमने पहले ही बुकिंग करा दी है कि आज उनका ना एक ऊपरे करके रेस्टोरेंट है, एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट जो उदयपुर में बहुत फेमस है इसी होटल का. सो आई थिंक आज हम डिनर वहीं से करने वाले हैं. दैट वॉज माई रूम टूर. आई होप यू गाइज लाइक दैट. आई रियली लव द बालकनी एंड आई जस्ट के नॉट वेट टू वेक अप टू दिस व्यू फॉर द नेक्स्ट 4 days. इतना सुंदर लग रहा है मैं बता नहीं सकती सारा. और ये हमारे होटल की कैसी लाइट्स है, कितनी प्यारी लग रही है. पूरी रो देखो. या सो यहाँ नीचे पूरी लाइट्स वगैरह लगाई हुई है विद फ्लावर्स. एंड दिस इज द व्यू यू गाइज, दिस इज उदयपुर. हेलो रवि, दोनों लगे हुए हैं. एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज दिस इज हर बर्थडे ट्रिप. एंड कैसे पापा अपनी फोटोग्राफर ड्यूटी कर रहे हैं एंड माई मॉम इज पोजिंग. सो दिस इज वॉट द सीन्स लुक लाइक. दिस इज मिस्टर रवि. रेस्टोरेंट में एंड वी गॉट सच अ प्रिटी सीट. लुक एट दिस, क्या सुंदर व्यू लग रहे हैं. सो वी ऑर्डर्ड पनीर लबाबदार एंड तंदूरी चिकन साथ में बटर नान. पनीर लबाबदार मुझे अच्छा लगा. पहले हम शाही पनीर सोच रहे थे बट इट्स अ गुड थिंग दैट दे इन्फॉर्म्ड अस कि वो वाइट मीठी वाली ग्रेवी होगी विद कैश्यूज एंड ऑल. सो हमने स्विच कर लिया पनीर लबाबदार में, विच इज़ ग्रेट. मुझे अच्छा लगा. क्वांटिटी जिस हिसाब से चार्जेस है, लाइक इट इज़ अ लिटल ओवर प्राइस, तो क्वांटिटी हल्की सी कम लगी. अदर देन दैट जो तंदूरी चिकन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट कुड हैव बीन मोर मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, हल्का सा ड्राई है बट टेस्ट अच्छा है. वो जो तंदूर का टेस्ट आता है वो अच्छा है. एंड बटर नान भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. देयर चटनी ऑल्सो इज़ रियली ग्रेट, जो ग्रीन चटनी है इनकी. ऑल इन ऑल मुझे अच्छा लगा. इट्स अ लिटल एक्सपेंसिव दो, बट मैं इसको रेट करूँगी 3.5 out of 5. वाइब बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि ये लोग साइड में म्यूज़िक बजा रहे हैं एंड मैं और मम्मी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू गेस के कौन सा गाना है. सो अभी जो बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल था दीपिका पादुकोण का सॉन्ग, वो बज रहा है. इससे पहले काफ़ी पुराने सॉन्ग्स बज रहे थे. गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, बट गुलाब जामुन का साइज इज छोटा. ये है गुलकंद रबड़ी. रोज पेटल्स, इसमें वो एक पान वाली क्वालिटी है विच आई रियली लाइक.
केम बैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड मैं बिल्कुल अपने कंबल में घुस गई. दिस वॉज सच अ टायरिंग डे. आई रियली डोंट नो वॉट हैपन टू मी टूडे, बट कल का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. कल 22 अगस्त है, राखी है, एंड रवि के साथ मैं पहली बार आउट ऑफ स्टेशन कहीं राखी बनाऊंगी. एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो व्हेन आई गेट रेडी. गुड मॉर्निंग यू गाइज, वेलकम टू डे 2 इन उदयपुर. डे 1 पे हमने इतना कुछ किया नहीं. मैं अभी अभी नहा के आई हूँ एंड दिस इज द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग. ऑल्सो टुडे इज राखी, तो मैं रवि के साथ राखी मनाने वाली हूँ. द वेदर टुडे इज सो नाइस. मैं सुबह जब उठी ना 7 बजे तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी भी हल्की बूंदाबांदी है, बट इट विल गो अवे, सो इट्स अ गुड साइन क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं होगी. उदयपुर में ज़्यादातर राजस्थान में गर्मी रहती है, बट द वेदर इज ऑसम टुडे. मैंने बाहर भी बालकनी में जाके देखा था एंड इट वॉज सो नाइस. I just quickly wanted to show you guys my outfit क्योंकि इसके बाद I'm just gonna do my skincare, go for our buffet breakfast. So आपको वो कुर्ती याद है ना गुलाबी गोरी की जो ईशान के बर्थडे मैंने न्यूड कलर की पहनी थी, ओम्ब्रे, उसी लखनऊई स्टाइल में, बिल्कुल सी ग्रीन कलर है एंड ये ऊपर एकदम लाइट लाइट है, नीचे जाते जाते डार्क हो जाता है. अभी 7:30 से 8 बजे के अराउंड हमारा ब्रेकफास्ट होगा, बुफे ब्रेकफास्ट, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. बहुत भूख लगी हुई है, पेट पूरा खाली है. ये होटल भी इतना प्यारा है ना, मैंने कल रात को जब बैठी हुई थी तब ऑब्जर्व किया कि दिस होटल इज इन सच अ गुड लोकेशन. This video is not sponsored by the way, but मैं अपनी choice पे बहुत proud feel कर रही थी कि यहाँ से सब कुछ walking distance पे है, like 10 to 15 minutes walk पे, even city palace. अगर आप घाट पे जाके बैठना चाहो, chill करना चाहो, वो भी इतना पास है. And it's surrounded by the lake, पिचोला लेक से surrounded है and सब कुछ यहाँ से covered पूरा दिखता है. I think we're gonna hire a guide. I think यहाँ के local people को भी हमें support करना चाहिए and that will be our plan for today. Also कल रात को बैठ के मैं search कर रही थी कि कौन से और अच्छे restaurant है जो मैं try कर सकूँ. तो अब मैं थोड़ा chill करती हूँ balcony में, makeup वेकअप कर लेते हैं, राखी बना लेते हैं एंड आई विल सी यू गाइस देयर. सो आई एम ऑल रेडी, दिस इज द मेकअप लुक. आज मैंने ब्राउन स्मोकी आई, कबूतर, oh my God. So, मैंने आज ब्राउन स्मोकी आई की है, वेरी न्यूड लुक एंड साथ में न्यूड लिपस्टिक लगाई है. काफी अच्छा मेकअप लग रहा है, बाल ऐसे ही सुखाने वाली हूँ मैं. सो गाइज, दिस इज माई मॉम्स लुक, दिस इज हाउ शी लुक्स लाइक टूडे. हैप्पी राखी. सेम टू यू. तो बस मैंने चप्पल पहनी है. सो दिस नेक पीस बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज व्हाट मदर डॉटर जोड़ी लुक्स लाइक. एंड मैंने आज सब्यसाची वाले इयररिंग्स पहने जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. ऑल्सो बोथ ऑफ आवर कुर्तीज आर फ्रॉम गुलाबी गोरी. कोइंसिडेंस हो गया. रवि इज ईटिंग, क्या खा रही है? सांभर, पराठा, सॉसेज, ऑमलेट और सब कुछ अपने ऊपर गिरा रहे हैं. क्या खा रहे हो आप? मैं इडली, एग, सॉसेज. कैसा है खाना? गुड. अच्छा, चलो. कंपेयर टू डिनर ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छा है. ओके, चलो मम्मी हम लेके आते हैं अपना खाना. रवि आप कहाँ आया? रवि, रवि कहाँ आया? होटल उदयपुर. घर जाएगा? घर नो, यहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा. क्या खाएगा यहाँ पे? आइसक्रीम. आइसक्रीम और दोपहर क्या? दोपहर चाउमिन. दोपहर में चाउमिन खाएगा? ठीक है. और अभी ऊपर रूम में जाके क्या करेगा? खेली करेगा. और दीदी से क्या बनवाएगा? टाकी. टाकी टिक्का लगाएगा? लगाएगा. ऐसे टिक्का. दीदी को क्या गिफ्ट दोगे तुम? अरे दीदी को क्या गिफ्ट दोगे तुम? तो फन स्कूल लेते रहते हो. क्या था फन स्कूल लेते? सच बताओ तो मुझे ना बाहर जाने का मन नहीं कर रहा. हमारा होटल इतना अच्छा है, लाइक वाह. मम्मी आओ सेल्फी लो. मैं को यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचानी है. ठीक है. Okay, so
सो आर ऑटो इज हेयर. अभी हम दो मिनट में नीचे जाने वाले हैं. आई वॉन्टेड टू शो यू माई आउटफिट नंबर टू फॉर डे टू. दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग. आई एम वेयरिंग दिस बंद गला ट्यूनिक कुर्ती फ्रॉम सब्यसाची एक्स एच एन एम. मैंने आपको अपनी रिव्यू वीडियो में दिखाई थी एंड आई टोल्ड यू गाइस आई हैव स्पेसिफिक प्लान्स फॉर दिस आउटफिट. फील्स लाइक पीजेस ओनली एंड दोनों साइड में पॉकेट है, तो आप लोग मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हो. मुझे पॉकेट्स वाली पैंट्स मिल गई. साथ में मैंने ये टैन और ये हाफ मून टाइप का बैग दिया है. रवि चले घूमी घूमी चले. चलो तो अभी हम फतेह सागर लेक पहुंच चुके हैं. यहाँ पे ना स्पीड बोटिंग होती है, पीछे फैमिली को पूरा बिठाते हैं. इसका प्राइस है 236 रुपीज, जो आपको 3-4 मिनट पूरा घुमा देंगे. एंड वी गोना डू दैट राइट नाउ. आप थोड़ा आओगे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे मोमोज, बॉम्बे पाव भाजी और मैगी मिलती है. रवि को मैगी का मन कर रहा तो वो वही खाएगा. सिटी पैलेस की एंट्री पे छोड़ दिया है एंड यहाँ से टिकट लेनी होती है. आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन खान नाम है. मोहसिन खान बहुत घुमाया मैंने, यूट्यूबर मैंने भी. एलिफेंट फाइटिंग हुआ करनी है, टक ऑफ वॉल. एक हाथी दीवार के बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ. तो लास्ट फाइटिंग होती है मैडम 1951 में. इसका ओरिजिनल जो फोटो हम महल में देखें, रवि भी लग रहा है. थर्ड फ्लोर है ना? अगर ये थर्ड या फोर्थ फ्लोर होगा तो उसके छत के इतने बड़े पेड़ कैसे लगेंगे? क्योंकि उनकी जो जड़े हैं किसी भी डायरेक्शन जा सकती है, तो पॉसिबल है छत के पर पेड़ लगाना. तो ना हम फर्स्ट पर हैं ना सेकंड पर, अभी भी हम हैं ग्राउंड फ्लोर. अच्छा, सो एक्चुअली में ये जो पूरा जो पार्ट है ये पहाड़ पे बना हुआ. तो उन्होंने पहाड़ को काटा नहीं, ये इंजीनियरिंग का कमाल है. चारों तरफ उसको से कवर कर दिया और यहाँ गार्डन बना दिया, जिसे बोलते हैं हैंगिंग गार्डन. और इस पूरे महल को बोलते हैं बाड़ी महल. बाड़ी का मतलब होता है गार्डन. बीच में स्विमिंग पूल बना रखा, देख सकते हैं वहाँ. ए सखी ओ हे पधारो हमारे देश, हे पधारो पारे देश पधारो. Oh,
गाइस, सो नाउ वी आर एट खम्मा गनी रेस्टोरेंट। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, राजस्थानी सब मिलता है। रवि वांटेड नूडल्स, सो हम यहाँ पे आ गए हैं, विच लुक्स प्रीटी अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। And it's time for boat ride. कैसी लगी बोट राइड मम्मी? बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब अभी तक की जितनी भी हमने राइड्स की हैं, बोट राइड्स, सबसे अच्छी यही थी। हमने पांडिचेरी में भी की थी, पांडिचेरी में वो भी मुझे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी थी। उसमें तो वहाँ बीच में जाके बहुत मजा आया था, पर ये तो राइड ही इतनी अच्छी थी। इतना अच्छा मौसम, चारों तरफ पहाड़, बीच में सबसे बड़ा पैलेस, सिटी पैलेस सामने है, पैलेस, इतने सारे घाट, सब उन्होंने दिखाए अच्छी तरह घूम घूम के। एंड 35 to 45 मिनट्स की राइड थी, बहुत मजा आया। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, अगर कोई उदयपुर आता है प्लीज ये वाली राइड तो जरूर ही लेना। लेक पिचौला में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। उदयपुर को इंडिया का वेनिस बोलते हैं, क्योंकि वाटर में ही, मतलब यहाँ पर सारे होटल्स बने हुए, सिटी पूरी है और बहुत ही अच्छा है। लगता तो है कि भाई हाँ, अच्छी जगह देखी है। अभी तक ठीक जा रही है आपकी बर्थडे ट्रिप? बहुत अच्छी जा रही है। थोड़ा सा बमर हो गया है, रवि को पेट दर्द हो रहा है एंड उसको थोड़ा इनडाइजेशन हो रहा है, लेकिन ही वांट्स टू गो ईट डिनर। वो यहाँ पे नहीं बैठना चाहता, रेस्ट नहीं करना चाहता, सो हम सोच रहे कि उसको थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खिला दे। तो अभी हमारे ऑटो वाले भैया आ गए हैं और हम जाने वाले हैं इन रेस्टोरेंट कॉल्ड रजवाड़ा बाइट्स। एंड ये वाला मैंने डिनर के टाइम इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ पे राजस्थानी परफॉर्मेंसेज होती हैं। 7:41 राइट ना, हमारी 8 PM की बुकिंग है, सो लेट्स गो। मम्मी आप क्या करके आए? उनको बोल के आई थी घूमर पे डांस कर सकते हो? हाँ हाँ। Thank you.